हेलो दोस्त, एलपी टेक्नीशियन सीबीटी 2 परीक्षा के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए। तो आपने सबने देख लिया, पार्ट ए पार्ट बी का दोनों का कंडीशन अब क्लियर हो गया है नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पार्ट ए और पार्ट बी दोनों की बात करेंगे और किसका पलड़ा भारी है, किसका डायरेक्शन भारी है। तो कुछ लोग कहेंगे पार्ट बी का, तो कुछ लोग कहेंगे पार्ट ए का। तो पार्ट ए कहने वाले की संख्या कम होगी, पार्ट बी कहने वाले की संख्या बहुत ज़्यादा होगी। और मैं समझ सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे है टेक्निकल 75 मार्क्स, और लेकिन केवल क्वालिफाई करना है। और पार्ट ए को कहेंगे तो यहाँ पे है 100 मार्क्स, लेकिन इसकी बनेगी मेरिट। तो दोनों का कंडीशन बैलेंस है, क्वालिफाई करना है, मार्क्स कम है, कठिन पेपर है। अगर पार्ट वो ए की बात करेंगे तो मार्क्स ज़्यादा है, लेकिन इसमें मेरिट बनेगी, जितना ज़्यादा लाएंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए सेफ स्कोर होगा। तो दोनों का कंडीशन इसलिए है कि कंडीशन इक्विलिब्रियम में है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसके कैसा रणनीति बनाते हैं पढ़ाई का स्ट्रेटजी में, तो वही आपको आगे की तरफ ले जाएगा। तो चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं कि 100 मार्क्स मेरिट, 75 मार्क्स और क्वालिफाई। पार्ट बी और पार्ट ए की कंडीशन है, इसमें किसी को क्वालिफाई नहीं, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे दिक्कत लोगों का समस्या यहाँ है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जहाँ से 40 नंबर है। और यहाँ लोगों का प्रॉब्लम है 57 ट्रेड प्लस एलाइड ट्रेड भी, और डिप्लोमा और डिग्री वाले के कॉम्बिनेशन ट्रेड है, जिसमें चार या पांच ट्रेडों का एक साथ एग्जामिनेशन होगा। तो ये टॉपिक आपको पहले पता होना चाहिए। उसके बाद हम अगर पार्ट ए को थोड़ी सी और बड़ी रूप में ले जाएं, तो यहाँ पे है मैथमेटिक्स, जिसका 25 नंबर है, रीजनिंग इंटेलिजेंस दोनों मिला के 25 नंबर है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग 40 नंबर है, और करेंट अफेयर 10 मार्क्स है। तो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग अकेला नहीं है, इसमें आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग भी है, ध्यान दीजिएगा। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी टॉपिक है। तो यहाँ हम कैसे स्कोर करें, सेफ करें कि कंडीशन सेफ होगा। तो मैं एक एवरेज यहाँ एक बार डाटा लेके आ रहा हूँ कि मैथमेटिक्स 25 है, तो एक कॉमन स्टूडेंट की बात करें तो यहाँ से 15 करने की कैपेबिलिटी रखता है, जो अच्छा पढ़ाई, मीडियम पढ़ाई या इक्विवेलेंट कर सकता है। तो 15 से तो कम नहीं लाएगा, अगर कोई कम लाता है तो उसकी कंडीशन अलग है। और जो बहुत अच्छा तैयारी करके गया आएगा, वो करीब करीब 20 के समथिंग नंबर ला सकता है। तो ये हमारा रेंज है इस मैथमेटिक्स में, इतना नंबर, क्योंकि आपने CBT 1 में भी ये पढ़ रखा है, इसमें से Part 1, 2 and 4 आपने CBT 1 में भी पढ़ रखा है। और अगर रीजनिंग इंटेलिजेंस की बात करें तो यहाँ स्कोरिंग हाई होती है, 18 से लेके मैं कह सकता हूँ कि 22 तक लोग ला सकते हैं, जिन्होंने जैसा तैयारी किया है उस हिसाब से, और कैसा प्रश्न का लेवल आएगा उस हिसाब से। अगर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ कन्फ्यूजन है मुझे, यहाँ वैरायटी बहुत है, यहाँ पे प्रश्न लेवल ही डिसाइड करेगा। और लोगों की, क्योंकि इसमें बेसिक साइंस इंजीनियरिंग आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग, इन्वायरमेंटल एजुकेशन प्लस आपका हेल्थ सेफ्टी के रिगार्डिंग है, और आईटी लिटरेसी के बारे में भी आपको पढ़ना है। तो टॉपिक बहुत बड़ा वाइड है, और टेक्निकली ये साउंड है। पीसीएम वाले यहाँ बहुत अच्छा करेंगे, मैं पीसीएम वालों को यहाँ सपोर्ट करूँगा, क्योंकि बेसिक साइंस इंजीनियरिंग में वो अच्छा कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो सबसे कम वाला स्कोर का मैं मान सकता हूँ, जो जेन्युइन स्टूडेंट होगा वो 15 तक ला सकता है, और जो बहुत अच्छा होगा तो 30 तक लाएगा। इससे ज़्यादा मुझे नहीं अनुमान है कि कोई इसमें स्कोर करेगा, क्योंकि वैरायटी ऑफ क्वेश्चन यहाँ चेंज हो जाएगा। और करेंट अफेयर में बात करें तो 5 से लेके 8 तक प्रश्न किया जा सकता है, अटेम्प्ट किया जा सकता है, ऐसा कोई अनुभव है। तो अब ये कंडीशन आप देख लें, तो दोनों को अगर अलग अलग डिवाइड कर लें, तो हम पहली कैटेगरी के अगर जोड़ लें स्कोर, 15, 18 और 15 और 5 नंबर लाता है स्टूडेंट, वो 43 लाता है, जो जनरल के 40% से भी ज़्यादा है। और जो मैंने मार्क्स रखा था वो बहुत कम रखा है, देख सकते हैं, मिनिमम से भी मिनिमम रखा है, बस शर्ते आपने 90 मिनट का टाइम मैनेज कर लिया, 90 मिनट आपने 100 क्वेश्चन को हल करने में अच्छी तरह से यूटिलाइज किया है पार्ट ए में। उसके बाद अगर जो अच्छे स्कोर, जो गुड स्कोर करने वाले विद्यार्थी हैं, अगर बहुत अच्छा सभी में कर पाए, तो ऐसा होता नहीं है कि सभी स्टूडेंट सभी में अच्छा करते हैं, वो एवरेज में जाता है, तो ये 80 स्कोर आ रहा है। तो मैं ना किसी का कह रहा हूँ कि 43 ला पाएंगे, कोई ना मैं कह रहा हूँ कि 80 लाएंगे,
अगर हम दोनों का एवरेज कर दें तो ये संख्या आती है 123, और इसे दो से डिवाइड कर दें तो ये संख्या आती है 62.5, और कह सकते हैं कि 60 प्लस स्कोर मोर देन सफिशियंट है यू आर कैटेगरी के लिए क्वालिफाई होने के लिए, एएलपी और टेक्नीशियन दोनों के लिए। तो देख सकते हैं आप ये 15 से 20, 18 से 22, 25 से 30 और 5 से 8, इतने नंबर आप ला सकते हैं तो आपका पार्ट ए में सिलेक्शन आपका मेरिट में आ जाएगा, यानी यहाँ ध्यान रखिएगा इसके बीच में रखेंगे। और इसमें आपका नॉर्मलाइजेशन का मार्क्स होगा तो 43 वाला बढ़ेगा, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन कितना बढ़ेगा 43, मैं इसलिए नहीं सेफ कहूँगा क्योंकि ये मिनिमम साइड की तरफ जा रहा है, और 60 इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बिल्कुल सेफ है ये, 60 प्लस आपने ला दिया तो आपके प्लस पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन क्या इतने नंबर लाने के बाद भी क्या आप सेफ हैं, तो मैं कहूँगा कि नहीं है। आपके लिए एक और कंडीशन बनेगी पार्ट बी का, तो पार्ट बी में हम चलते हैं। पार्ट ए का ही थोड़ी सी और दोहरा लेते हैं। तो यहाँ यूआर का 40 लाना है, ओबीसी एससी के 30% लाना है और एसटी का 25% लाना है, लेकिन यहाँ एग्जामिनेशन 100 मार्क्स का है तो आपको डायरेक्ट 40 30 25 नंबर लाना है, और इसमें नॉर्मलाइजेशन का भी इशू आएगा और उसमें नंबर इंक्रीज होते हैं, तो ये भी आपने देख रखा है। तो ये आपने 60 प्लस नंबर अगर आप ला लिए तो आपके लिए यूआर रिजर्व कैटेगरी के लिए नहीं, और ये इससे बहुत कम भी जा सकता है और आसपास में भी रह सकता है, लेकिन ये स्ट्रेटजी है पढ़ने के लिए, कोई इसे नहीं समझे कि ये कटअप है, कटअप की बात नहीं हो रही है। ये रणनीति है कि आपको टारगेट 60 प्लस करना है, 60 प्लस टारगेट। उसके बाद हम पार्ट बी की बात करेंगे। तो पार्ट बी में 40 30 25% क्राइटेरिया सबसे पहले ख़त्म हो जा रही है और आपको लाना है 45%। तो 45% के लिए देखिए 25% वाले जो कैंडिडेट थे एसी का, इन्हें 10% ज़्यादा नंबर लाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा, और ओबीसी एसटी वाले को 5% ज़्यादा लाना पड़ेगा। और यहाँ यूआर की बात ही नहीं करेंगे, यूआर को तो और कम लाना है। तो यूआर जनरली जो क्वालिफाई रखने की कैपेसिटी रखते हैं वो 35% जरूर लाएंगे, दिक्कत होगा तो ओबीसी और एसटी कैंडिडेट में सबसे ज़्यादा मुझे लगता है एसटी कैंडिडेट के लिए 10% नंबर बढ़ना सडनली, जो नीचे के बाउंड्री लाइन पे रहेंगे नीचे के वाले उनके लिए दिक्कत है, और जो अच्छा पढ़ाई करेंगे उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पार्ट बी की रणनीति क्या होनी चाहिए, तो सबसे पहले 57 ट्रेड है, लोगों में काफ़ी कंफ्यूजन है कि हमें दो ट्रेड का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एक ट्रेड का देना पड़ेगा या कॉम्बाइन क्वेश्चन पेपर आएगा। तो रेलवे ने ऐसा अभी कहीं डिसाइड नहीं किया है, लेकिन ट्रेड का जो आपने सब्जेक्ट देखा है तो उसमें क्लियर लिखा है आईटीआई, जो आईटीआई कैंडिडेट है वो अपने ट्रेड से एग्जामिनेशन देगा। लेकिन कुछ लोगों का सवाल है कि क्या मेरा इलेक्ट्रिकल है, तो इलेक्ट्रिकल से ही केवल प्रश्न आएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। इलेक्ट्रिकल के साथ कई सारे वेल्डर का भी थोड़ा टॉपिक होता है, थोड़ी आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स की भी बेसिक टॉपिक होती है, तो उस बेसिक टॉपिक से कुछ प्रश्न आ जाएंगे, ऐसा नहीं कि सारे प्रश्न आएंगे, कुछ प्रश्न आ सकते हैं जो आपके एलाइड टर्म में रहते हैं। उसी तरह से सभी ट्रेडों का अलग अलग एलाइड होता है, फिटर के लिए भी कुछ होता है, सभी का अलग अलग होता है। तो आईटीआई के लिए आपको अपने ट्रेड पढ़ना है, अगर ट्रेड में आपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लिया तो 35% के आसपास आ सकते हैं, लेकिन नेगेटिव मार्किंग आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन में ला रहा है। और यहाँ मैं केवल ओबीसी और एसटी के लिए कहूँगा, यूआर वाले मुझे लगता है क्वालिफाई कर जाएंगे। और यहाँ पे दिक्कत इसलिए है डिप्लोमा और बीटेक वाले के लिए कि उनके लिए एक कॉम्बिनेशन ग्रुप बना दिया गया है 5 का, कि अगर आपका सिलेबस में ये ग्रुप रहेगा तो इसमें से पेपर आ सकता है, मेरा पर्सनल अनुमान है, क्योंकि रेलवे के नोटिफिकेशन में आप जाके देखें तो क्लियर है, ऑटोमोबाइल का अलग ग्रुप है, इलेक्ट्रिकल का अलग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग ग्रुप है, और उसी तरह से पीसीएम का अलग ग्रुप था। और पीसीएम वाले के लिए यहाँ कहेंगे कि 10+2 है तो 35% ईजी लाएंगे। तो यहाँ पे मेरे तरफ से दो कैंडिडेट के लिए मैं कह सकता हूँ कि पीसीएम कैंडिडेट और यूआर कैंडिडेट करीब करीब 35% लाने के कंडीशन में होंगे, जो 26.5 मार्क्स यानी मेरे तरफ से 30 मार्क्स 30 नंबर जरूरी लाना चाहिए, क्योंकि आप इसके आसपास नीचे हैं, 30% नहीं 30 मार्क्स जरूरी लाना चाहिए, क्योंकि सेफ कंडीशन आप करके नहीं चलते हैं
तो आपकी रणनीति होनी चाहिए कि 30+ यहाँ। तो आपने देख लिया कि पूरी हमने इस वीडियो में जो बात किया है, तो रणनीति के अनुसार से हमारे लिए पार्ट ए और पार्ट बी दोनों की हमने बात किया। पार्ट ए में आपको 6+ टारगेट लेके चलना है, इसमें आपको 5 गलत भी हो सकता है जब एग्जामिनेशन में जाएंगे, तो एग्जेक्ट थोड़ी सी मुश्किल होती है कम टाइम में और दिक्कत होती है। तो 60+ रखते हैं, अगर 55 और 52, 53, 54 नंबर भी आपको आते हैं तो आप कंपटीशन में बने हुए रहेंगे, सिलेक्शन होना कट ऑफ पे डिपेंड करेगा। उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे पार्ट बी में, तो पार्ट बी में आपको 30+ के टारगेट रखना चाहिए, रणनीति ऐसा होना चाहिए कि 30 नंबर के लिए आप सिलेबस को पकड़े। तो 60% नंबर आने के लिए हमने पार्ट ए के लिए ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था कि अगर आपने पार्ट ए में बेसिक एंड साइंस इंजीनियरिंग का टॉपिक में 20 के करीब नंबर आप लाते हैं तो आपका 60+ स्कोर आ जाएगा। मैं कह सकता हूँ कि आपका 60 के समथिंग नंबर आ जाएगा, क्योंकि बाकी यहाँ से नंबर, यहाँ से नंबर, यहाँ से नंबर अच्छा से आ सकता है। जिस आपका प्रिपरेशन है उस अनुसार से आप यहाँ से नंबर उठा सकते हैं, लेकिन बेसिक एंड साइंस इंजीनियरिंग बिल्कुल टॉपिक अच्छा है और टॉपिक पर्सनल लेवल पे डिपेंड करेगा। और 20 से ऊपर ला रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है, और 15 लाते हैं तो बाउंड्री रेखा के नीचे आ जाएंगे यहीं पे, और सिलेक्शन में अहम रोल बेसिक एंड साइंस इंजीनियरिंग का रहने वाला है। उसी तरह ट्रेड एग्जाम की बात करें तो ट्रेड एग्जाम में लोगों को मैं सबसे पहले सजेशन दूंगा कि किसी भी ट्रेड में आपके पास ट्रेड ITI डिप्लोमा डिग्री है किसी ट्रेड में है तो कम से कम आप मान लें कि 20 से 22 या किसी इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में 36 चैप्टर है, इसमें से 5-6 चैप्टर को एकदम बिल्कुल टारगेट कर लीजिए जो आपके लिए इजी है, इजी वाले चैप्टर, और जिसमें बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन आता है। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल दे रहा दूँ तो इलेक्ट्रिकल आपका ट्रेड है, तो इलेक्ट्रिकल में बेसिक इलेक्ट्रिकल का टॉपिक होता है जिसमें मशीन की थोड़ी थोड़ी टॉपिक होती है, AC की होती है, DC की होती है, रेजिस्टेंस होता है, कैपेसिटेंस का ये टॉपिक है जो हर जगह प्रश्न में आता रहता है, वो प्रश्न तो रिपीट करेंगे ही, सेफ्टी होते हैं, फ्यूज होते हैं, ये सब टॉपिक आना ही आना है, तो इस टॉपिक को पहले कवर कर लीजिए। उसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स का है सेमीकंडक्टर मटेरियल, जहाँ से आपको 5 से 10 प्रश्न आपको मिल जाएंगे, तो 5 से 10 प्रश्न तो आपके लिए श्योर है कि यहाँ पे 5 से 10 अगर कर लेते हैं तो बाकी आपको बच जाते हैं। आप बाउंड्री लेकर जो हमारा 30 नंबर है उस टारगेट के आसपास आप यहाँ से क्लियर कर लेंगे शुरू वाले बेसिक टॉपिक से, बाकी आगे की टॉपिक है जो जो आपको अच्छा लगे एंटीना वगैरह वहाँ से आप सेलेक्टिव रूप से जाएं। और मैं जितना अपना मेरा प्रयास रहा है कि मैं इलेक्ट्रिकल और प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स का, इलेक्ट्रिकल का भी 35 वीडियो हो चुका है और इलेक्ट्रॉनिक्स का 22 या 21 वीडियो हो चुका है, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का 15 वीडियो हो चुका है, 15 नहीं सॉरी 17 या 18 वीडियो हो चुका है, आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का 8 वीडियो हो चुका है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपका करंट अफेयर का 8 वीडियो हो चुका है, अगर बात करें हम दूसरे टर्म में रीजनिंग का तो यहाँ भी 18 वीडियो हो चुका है। तो आप ध्यान दे सकते हैं कि मैंने पहले से ही प्लानिंग किया था, सबका प्लेलिस्ट बना रखा हूँ और उसी के अनुसार उस रणनीति को हम पूरा करने के लिए इलेक्ट्रिकल को हम करीब करीब AC मोटर बचा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक्स में एंटीना, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, आपका काउंटर वगैरह का टॉपिक कुछ बचे हुए हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले मल्टी वाइब्रेटर वगैरह कुछ टॉपिक है आपका, अभी हम इसमें थोड़े से पीछे हैं, इंजीनियरिंग ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है, करंट अफेयर होते रहेगा, उसके बाद हमारा रीजनिंग वाला टॉपिक काफ़ी पीछे रहा है और मैथमेटिक्स के लिए हमने ज़्यादा फोकस नहीं किया था, शुरू में हमने CBT1 में फोकस किया था लेकिन रिस्पॉन्स लोगों का नहीं मिला इसलिए उसे छोड़ दिया था, तो यहाँ भी हम अच्छी कंडीशन में है। तो कह सकते हैं कि हमारी जो रणनीति थी उस हिसाब से हमने केवल 60+ टारगेट के लिए अच्छा से तैयारी किया था, मैंने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए आपके लिए फिर से बने रहेंगे और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स को तो आपको कंप्लीट कराएंगे ही, बहुत लोग बोलते हैं कि टॉपिक नहीं कंप्लीट कराना था तो शुरू क्यों किए थे, तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल कंप्लीट बहुत जल्दी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स भी कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पे भी 10-12 वीडियो और बनेंगे और रीजनिंग का टॉपिक पे अभी फोकस कर रहा हूँ जिससे लोग मिनिमम क्वालिफाई कर जाएँ। और ट्रेड एग्जामिनेशन के लिए मैंने 2 ही का
कॉम्प्रोमाइज किया हूँ इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अलावा मेरे पास ज़्यादा नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं उसको शेयर नहीं कर सकता आपके साथ। कंफ्यूजन क्रिएट करने से अच्छा है कि साइड में बने रहें। थैंक यू, धन्यवाद।